गेस्ट पोस्टिंग का नाम आप में से 80% परसेंट ऑडियंस ने तो लाजमी सुना होगा बट क्या आप जानते हैं ये एस और ब्लॉगिंग के लिए गेम चेंजर क्यों है अगर आप अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक या फिर अथॉरिटी बढ़ाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है मेरा नाम है जोरेन और आप देख रहे हैं जोरैन टेक आज मैं आप लोगों को कंप्लीट गाइड देने वाला हूँ गेस्ट पोस्टिंग क्या है गेस्ट पोस्टिंग कैसे स्टार्ट करनी है गेस्ट पोस्टिंग की क्या क्या स्ट्रेटेजीज है जिससे आप स्टार्ट ले सकते हो गेस्ट पोस्टिंग में क्या क्या ऐसी चीजें आती है जो की आपको गेस्ट पोस्टिंग का एक सक्सेसफुल मास्टर बना सकती है तो मुझे नहीं लगता अभी तक पूरे यूट्यूब पर इतने आसान अल्फाजों में आपको गेस्ट पोस्टिंग का किसी ने भी डिटेल में बताया होगा अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो तो मैं गारंटी देता हूँ की आप भी गेस्ट के मास्टर होने वाले क्योंकि आपके जितने भी पॉइंट्स हैं मैं वन बाय वन सारे क्लियर करके देने वाला हूं सबसे पहला पॉइंट है कि गेस्ट पोस्टिंग आखिर है क्या सिंपल अल्फाजों में गेस्ट पोस्टिंग का मतलब है दूसरी वेबसाइट या फिर दूसरे ब्लॉग्स को टारगेट करना और उनको अपना आर्टिकल सबमिट करना जिससे आप उस आर्टिकल में अपनी वेबसाइट का लिंक देंगे जिससे आपको उस आर्टिकल की वजह से या फिर उस हाई वेबसाइट की वजह से हाई अथॉरिटी वेबसाइट की वजह से आपको ट्रैफिक मिलेगी मुझे नहीं लगता आपको समझ आया होगा इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ डिटेल में समझाता हूँ ताकि आपका सारा पॉइंट क्लियर हो सके अब जैसे कि ये वेबसाइट है विकीपीडिया और विकीपीडिया में आपको पता है आप किसी भी किस्म का आर्टिकल जब भी आप सर्च करते हैं कोई भी चीज सर्च करते हैं जैसे कि मैं यहां पर सर्च करता हूं आई हिस्ट्री तो यहां पर आपको विकीपीडिया का आर्टिकल तो मस्ट नजर आएगा और विकीपीडिया एक बहुत ज्यादा हाई अथॉरिटी वेबसाइट है यहां पर आप ट्रैफिक देखें ऑर्गेनिक ट्रैफिक 2.6 मिलियन की यहां पर ट्रैफिक है और तकरीबन ट्रैफिक यहां पर यूनाइटेड स्टेट से अब अगर मैं कहता हूं जैसे कि मैं आपको एक्जाम्पल से सिखाता हूँ मेरी ये वेबसाइट है जोरेंटेक और यहां पर मैंने भी कुछ ब्लॉग्स लिखे हैं अब ऑफकोर्स जो ट्रैफिक यहाँ पर विकीपीडिया पर आ रही है वो आई थिंक मेरे ब्लॉग पर इतनी ज़्यादा नहीं आएगी तो मैं क्या करूँगा विकीपीडिया को एक ई मेल लिखूँगा कि सर आप अपनी वेबसाइट पर एक आर्टिकल पब्लिश कर दें आर्टिकल आप लिखेंगे आपने आर्टिकल लिखा आपने विकीपीडिया को सबमिट किया विकी ने उस आर्टिकल को अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया और उस आर्टिकल में आपने अपनी वेबसाइट का अपने ब्लॉग का लिंक देना है जैसे कि मेरा ये एक ब्लॉग है डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग गेट अनलिमिटेड यूएसए क्लाइंट ठीक है अब इस पर वो ट्रैफिक नहीं आ रही मैंने इसका सिंपल यहाँ से जो लिंक कॉपी करना है उस आर्टिकल में ऐड करना है जो कि मैं विकीपीडिया को लिख के दूंगा अब विकीपीडिया वेबसाइट अपनी वेबसाइट पर मेरे आर्टिकल को पब्लिश कर देगी और उसमें जो मैं लिंक ऐड करूंगा विकीपीडिया की जितनी भी ट्रैफिक होगी अगर वो उस पर क्लिक करेगी तो वो मूव ऑन होगी मेरी वेबसाइट पर इससे क्या होगा कि मेरी वेबसाइट को भी ट्रैफिक मिलेगी किसके जरिए इस विकीपीडिया के ज़रिए अब ये मैंने आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दी है ये एक विकीपीडिया की एग्जांपल है आप कोई भी आर्टिकल सर्च करते हैं देखें कोई भी वेबसाइट है ना उसको जरूरत होती है एक बैकलिंग्स की उसको नीड होती है हाई अथॉरिटी वेबसाइट से बैकलिंग लेने की तो यहाँ पर आप सर्च करते हैं हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन तो यहाँ पर आपको जितनी भी वेबसाइट्स नजर आएंगी ना वो वो वेबसाइट्स होंगी जो कि बहुत ज़्यादा हाई अथॉरिटी होंगी जिनकी डोमेन रेटिंग बहुत ज़्यादा होगी जिनका डी आर काफ़ी ज़्यादा होगा क्योंकि वो रैंकिंग में देखें सिंपल आपको फर्स्ट नंबर पर होस्टिंग मिलती है जहाँ से आपको होस्टिंग प्रोवाइड की जाती है क्लिक ओवर एंड अर्न मनी ऑनलाइन अब ये भी वेबसाइट है ये भी आर्टिकल राइट करिए थर्ड नंबर पर आप देखें शॉपिफाई रैंक हो रही है अब जाहिर सी बात है इन वेबसाइट्स को तो आप नहीं कह सकते कि यार आप हमें जो है वो बैकलिंग प्रोवाइड कर दें या फिर आप हमारा आर्टिकल अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर दें तो ऐसा नहीं है मैं आगे आपको डिटेल में बताता हूँ कि किस तरह से ये वेबसाइट्स मिलती हैं क्या होता है क्या प्रोसेस होता है ये सारा बताऊंगा अभी तक मुझे यकीन है कि आपको समझ आ गया होगा आखिर गेस्ट पोस्टिंग क्या है और ये कैसे होती है किस तरह से आप किसी और वेबसाइट का यूज करके अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक मूव करवाते हैं और आप एज अ गेस्ट काउंट होंगे उस वेबसाइट के लिए ठीक है तो ये एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है इसका फायदा जैसे कि आपको पता है आप अपनी वेबसाइट पर नई ऑडियंस भी लेके आ सकते नई रीच कर सकते हैं अपने ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं और ये चीज आपकी वेबसाइट की एस में भी बहुत ज्यादा हेल्प करती है नंबर टू पार्ट है की गेस्ट पोस्टिंग स्टार्ट कैसे करें कहाँ से शुरू करें हमें स्टार्टअप कहाँ से लेना चाहिए इसको मैंने चार पॉइंट में डिफाइन किया है इसका जो पहला पॉइंट है वो है रेलिवेंट वेबसाइट फाइंड करना अब जैसे कि वो सेक्शन आ गया कि आप रेलिवेंट वेबसाइट कैसे फाइंड कर सकते हैं आपको अपने ब्लॉग्स या वेबसाइट से रिलेटेड वो वेबसाइट फाइंड करनी है जो कि आपकी तरह का कंटेंट पब्लिश कर रही है बट उनकी रेटिंग हाई है फॉर एग्जाम्पल अगर आप ट्रेवल पर ब्लॉग लिखते हैं तो आपने ट्रैवल से रिलेटेड वेबसाइट्स फाइंड करनी है और उनको गेस्ट पोस्टिंग के लिए कन्वेंस करना है फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ हाउ टू ट्रैवल इन जापान मैंने सिंपल यहाँ पर गूगल में सर्च किया और यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे आर्टिकल आ जाएंगे जैसे कि ये देखें यहाँ पर भी इन्होंने एक आर्टिकल की सूरत में कंप्लीट बताया हुआ होगा कि आप जापान में ट्रैवल किस तरह से कर सकते हैं यहाँ पर मैंने एक ये भी खोल लिया और ये वाला अनलिमिटेड गाइड अल्टीमेट गाइड वाला ये भी आर्टिकल ओपन कर लिया है तो यहाँ पर अगर आप देखें इस बंदे ने इस आर्टिकल को राइट किया है हाउ टू प्लान अ ट्रिप टू जापान अब यहाँ पर देखें जाहिर सी बात है अगर कोई भी सर्च कर रहा है हाउ टू ट्रैवल इन जापान तो इनकी वेबसाइट टॉप पर आ रही है मैंने इनकी वेबसाइट को ईमेल करना है कि सर आपकी वेबसाइट जो वो रैंकिंग में है मुझे काफी अच्छा कंटेंट लगा है आपका आप क्या अपनी वेबसाइट पर मेरे ट्रैवल से रिलेटेड जो मैं ब्लॉग लिख रहा हूँ इसका लिंक शेयर कर सकते हैं देखें गेस्ट पोस्टिंग हर कोई कर रहा है और एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताऊँ लिंक लाजमी से हर कोई ऐड करता है अब जैसे कि वेबसाइट है हंगरी और यहाँ पर आप देखें इन्होंने भी यहाँ पर लिंक दिया हुआ है दूसरे आर्टिकल का नीचे आपको नजर भी आ रहा होगा इसी तरह से और भी मैं आपको दिखाता हूं और भी मल्टीपल लिंक्स दिए होंगे इन्होंने लाजमी से दूसरी वेबसाइट का भी कहीं ना कहीं लिंक लाजमी ऐड किया होगा क्योंकि ये चीज काफी ज्यादा मैटर करती है ये देखें भाई अब जो पहले वेबसाइट है हमारी वो है हंग्री होट कॉम और यहाँ पर जो वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है ना वो कोई और वेबसाइट पर मूव ऑन हो रहा है देखें पॉकेट ये देखें ये इस वेबसाइट पर इस आर्टिकल पर मूव ऑन हो रहा है क्योंकि इन्होंने इसको बैक लिंक दिया हुआ है इस वेबसाइट ने इस वेबसाइट को बैकलिंग दिया हुआ है तो ये चीज है गेस्ट पोस्टिंग में तो इसी तरह से आपने रेलिवेंट वेबसाइट्स फाइंड करनी है पहली चीज नंबर टू कि आप उन वेबसाइट से कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे देखें ज़्यादातर वेबसाइट्स जो है ना वो एक पेज रखती हैं जिसका नाम होता है राइट फॉर अस आप उन पर ही अप्लाई कर सकते हैं उनको कंप्लीट आर्टिकल भी लिख के सेंड कर सकते हैं कि भाई ये मैंने एक आर्टिकल लिखा है आपके ऑडियंस के लिए ये बहुत ज़्यादा वैलेबल हो सकता है ऑफ कोर्स इसमें मैंने अपनी वेबसाइट का जो है वो एक लिंक ऐड किया है सो तो प्लीज़ क्या आप इसको अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर सकते हैं अच्छा बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि अगर आप किसी से बैकलिंग मांगते हैं ना वो आपको कहते हैं कि भाई अगर आपको बैकलिंग चाहिए तो हम इसके पचास डॉलर चार्ज करेंगे सौ डॉलर चार्ज करेंगे और एक इससे जैसा भी आता है कि आपकी वेबसाइट जब रैंकिंग में आ जाती है तो आपको भी गेस्ट पोस्टिंग की रिक्वेस्ट आना शुरू हो जाती है और आप भी इतने ही पैसे चार्ज कर सकते हैं आप डिमांड रख सकते हैं कि पचास डॉलर लूंगा फिर आपकी वेबसाइट को बैकलिंग दूंगा आपकी वेबसाइट हाई हो गई आप लो अथॉरिटी वेबसाइट को बैकलिंग दे सकते हैं बट शुरू में आपको इस तरह से करना होगा राइट फॉर अस का पेज आपको कैसे मिलेगा मैं आपको दिखाता हूँ एक वेबसाइट है जिसका नाम है फूड टैंक डॉट कॉम यहाँ पर इन्होंने खुद ऐड किया हुआ राइट फॉर अस का पेज यहाँ पर आप लिखें दे देखें यहाँ पर इनका यू देख सकते हैं अब इनके कुछ रूल्स हैं यहाँ पर आप देखें फूड टैंक इज़ लुकिंग फॉर अ क्रिएटिव राइटर्स ये ख़ुद जो है वो फाइंड कर रहे हैं क्रिएटिव राइटर्स को इसके लिए कुछ रूल्स हैं कि ये कौन कौन से आर्टिकल जो है वो एक्सेप्ट करते हैं न्यूज़ स्टोरीज हो सकती हैं इन्वेस्टिगेटिव पीसीज हो सकते हैं वी ओनली एक्सेप्ट ओरिजिनल आर्टिकल्स तो मतलब आप यहाँ पर अगर ए आई जनरेटेड आर्टिकल पब्लिश करेंगे तो आई थिंक ये उसको रिजेक्ट कर देंगे और आपने सबमिट कहाँ पर करना है पिच कहाँ पर करना है इनको ये इनका एक ई मेल एड्रेस है यहाँ पर आप कह सकते हैं कि भाई हमने आपकी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए एक आर्टिकल राइट किया है तो क्या आप अपनी वेबसाइट पर इस आर्टिकल को पब्लिश कर सकते हैं तो यहाँ पर ये गेस्ट पोस्टिंग के ऑफर कर रहे हैं इसी तरह से एक और यहाँ पर वेबसाइट है जैसे कि allispart.com यहाँ पर राइट फॉर अस का पेज है यहाँ पर इनके भी कुछ रूल्स हैं व्हाट वी आर लुकिंग फॉर यू मे सबमिट रफ ड्राफ्ट आप रफ ड्राफ्ट इनको सेंड कर सकते हैं इस तरह का आर्टिकल होगा ये आपका आइडिया होगा इस, इस पॉइंट पर आप जो है वो आर्टिकल कवर करेंगे तो आप इनको ये सारी बता सकते हैं किस तरह से आप जो है वो गेस्ट पोस्टिंग के माहिर बन सकते हैं क्या आप जो है वो किस तरह से वेबसाइट फाइंड कर सकते हैं हाई अथॉरिटी वेबसाइट फाइंड कर सकते हैं जो आपसे फ्री में भी आपका आर्टिकल पब्लिश कर ले तो ये इसकी टिप्स होती हैं अच्छा आपने राइट फॉर पेज फाइंड कर लिया उनके गाइडलाइंस को फॉलो कर लिया अब आपने अच्छा सा एक ई राइट करना है अपना इंट्रोडक्शन अपना आइडिया आप किस तरह का आर्टिकल लिखना चाहते हैं क्या पॉइंट्स आप कवर करेंगे ये सारा लिखने के बाद आप उस वेबसाइट को सबमिट कर देंगे और अगर उसको पसंद आया आपका आर्टिकल ठीक लगा तो ऑफकोर्स वो आपको बैक लिंक दे देगी और आपका आर्टिकल जो आपने लिख के उसको सेंड किया वो अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर देगी नंबर थ्री पॉइंट आपका कंटेंट जो है वो हाई क्वालिटी होना चाहिए देखें आर्टिकल वो हो जो उस वेबसाइट की ऑडियंस को भी फायदा दे अगर आप एआई चैट जीपीटी पर जाएं और वहां पर एक आर्टिकल लिखें हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन और उसके बाद विकीपीडिया को सबमिट भाई ये आप जो है वो अपनी वेबसाइट पर शेयर कर दें ताकि मुझे बैक लिंक मिल सके मैं आपकी वेबसाइट से बैक लिंक चाहता हूं तो हंड्रेड परसेंट आपको जवाब तक नहीं आएगा बल्कि हो सकता है वो आपका ई भी ना ओपन करके देखें क्योंकि ये बिल्कुल रफ वैल्यू है आपने वो वैल्यू प्रोवाइड करनी है जो आपने खुद लिखा हो आपका जो कॉन्टेंट है वो उस हिसाब से हो कि जो उस वेबसाइट की ऑडियंस है उसको कुछ ना कुछ वैल्यू मिले उस वेबसाइट का ऑनर ये समझे कि यार अगर इस आर्टिकल को अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करता हूं तो मुझे भी फायदा होगा तो ये माइंड में रखनी। आपका जो है वो होना चाहिए। भी ट्रैफिक मिले आपको रीच मिले और एसियो में भी आपकी हेल्प हो पार्ट थ्री इसमें आपको मैं बताता हूँ की कौन सी टिप्स है जो आपको सक्सेसफुल बना सकती है नंबर वन फोकस ऑन वैल्यू जैसे कि मैं ऑलरेडी आपके साथ क्लियर कर चुका हूँ कि वेबसाइट में आपकी सिर्फ आपकी वेबसाइट का लिंक नहीं होना चाहिए बल्कि ऑडियंस के लिए वैल्यू भी होनी चाहिए नंबर टू पॉइंट अपनी नेटवर्किंग बनाए गैस पोस्टिंग एक बैकलिंग गेम नहीं है बल्कि एक रिलेशनशिप का भी जरिया है जो आप वेबसाइट के ऑनर और अपने दरमियान क्रिएट करते हैं नंबर थ्री कंसिस्टेंट देखें ऐसा नहीं होगा कि आपने आज एक गैस कोर्स कर दी उसके बाद फिर आप बैठ गए सो गए उसके बाद फिर चार पाँच हफ्ते के बाद आपको ख्याल आया कि यार एक और गैस कोर्स कर दूं ताकि मुझे ट्रैफिक मिल जाए ऐसा नहीं करना आप डेली बेसिस पर जब आप स्टार्टअप ले रहे हैं तो रोजाना की बुनियाद पर कोई ना कोई अच्छा सा आर्टिकल लिखें वेबसाइट के ऑनर को सबमिट करें डिफरेंट वेबसाइट्स पर सबमिट करें इस वेबसाइट से जवाब नहीं आ रहा तो दूसरी वेबसाइट पर चले जाएँ वहाँ पर सबमिट करें कहीं से भी आपको जैसे जैसे बैकलिंग मिलना स्टार्ट हो जाएंगे तो आप अच्छा खासा जो है वो अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लेके आ सकते हैं और उसके बाद जब आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आना शुरू हो जाए आपकी अथॉरिटी बढ़ जाए तो आप दूसरों को भी बैकलिंग उससे भी पैसे कमा सकते हैं मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं एक और चीज मैं पर दिखाता हूं। जैसे कि मैं फाइव पर फाइवर पर आया और मैंने सिंपल पर लिखा गैस पोस्टिंग तो सिंपल आप फाइवर पर ही देखिएगा कितने लोग पोस्टिंग की प्रोवाइड कर रहे हैं और इसके पैसे कितने चार्ज कर रहे हैं जैसे कि आप आगे आगे बढ़ते जाएंगे ना देखें अभी अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं और पहली बार समझना चाह रहे हैं गैस पोस्टिंग क्या है तो मुझे उम्मीद है ये पॉइंट्स तो आपके क्लियर हो चुके होंगे आगे क्या होगा जैसे जैसे आप इसमें डीप जाते जाएंगे तो आपको मजीद इसके बारे में नॉलेज मिलती जाएगी कि क्या है कैसे होता है इसकी टिप्स क्या है कैसे लो अथॉरिटी वेबसाइट्स अथॉरिटी वेबसाइट फाइन करनी है, कैसे हाँ करनी है कैसे वो दो चीजें होती है ये फिर मैं कह रहा हूं ना कि आगे आगे आपको क्लियर करके मिलती जाएंगी एक ही वीडियो में अगर मैं आपको सारा समझाने की कोशिश करूंगा तो आपके भी सर्वे दर्द हो जाएगा और मुझे समझाने में भी प्रॉब्लम आएगी इसलिए मैं चाहता हूं कि इफॉर्मेशन वो दी जाए जिस वजह से यूजर ने वीडियो पर क्लिक किया है तो मुझे उम्मीद है जिस वजह से आपने वीडियो पर क्लिक किया वो पॉइंट क्लियर हो चुकेट थाउजेंड रुपीज चार्ज कर रहे हैं नाइनटी वेबसाइट्स के ये बैकलिंग देंगे देखें आसान है तभी नाइनटी वेबसाइट्स के देंगे अगर मैंने जिस तरह आपको बताया अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये वेबसाइट्स कौन फाइंड करेगा विकीपीडिया हमें कहां जवाब देगा यार ये वेबसाइट्स हमें कहां जवाब देंगी जो हमारे टॉप पेजेस पर शो हो रही है तो ऐसा नहीं है भाई मिलती हैं इसके टिप्स होती हैं इसके सीक्रेट्स होते हैं वो सारे आपको मिलते हैं यहाँ पर, पर, पर आप देखें ना एट थाउजेंड करें लेकिन नाइनटी वेबसाइट्स के यहाँ पर डो फॉलो लिंक आपको देंगे सेवन गेस्ट पोस्ट राइट करके देंगे नाइनटी डी वेबसाइट्स के लिए और यहाँ पर आप देखें पब्लिश करेंगे प्रीमियम गेस्ट पोस्ट ऑन हाई क्वालिटी डी ए साइड डी मतलब डोमेन अथॉरिटी यहाँ पर सेवन थाउजेंड चार्ज करेंगे तो अगर आपको गेस्ट पोस्टिंग आ जाती है तो आप फाइवर पर भी सर्विसेज देखिए अच्छा खासा उस पर पैसे चार्ज कर सकते हैं यहाँ पर आप देखेंगे डोमेन अथॉरिटी फिफ्टी से लेकर नाइन्टी तक जो है वो आपको जो है वो बैकलिंग प्रोवाइड करेंगे आपकी वेबसाइट के लिए जितनी डोमेन अथॉरिटी ज्यादा होगी उतनी ही वो वेबसाइट जो है वो अच्छी परफॉर्म कर रही होगी उतनी ज्यादा उस पर ट्रैफिक आ रही होगी और वो अगर आपको बैकलिंग दे देती दे तो है तो आपकी वेबसाइट के भी चार चांद लगने वाले हैं तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो में आप बैकलिंग से रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम है गेस्ट पोस्टिंग से रिलेटेड जो भी क्यूरिस्टी वो सारी क्लियर हो चुकी होंगी और ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा क्योंकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव और वैल्यूएबल कॉन्टेंट्स सिर्फ आपको जोन टेक्क चैनल पर देखने को मिल सकता है मिलते हैं अगली वीडियो में अल्लाह हाफिज